हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से आप अपनी हल्की आईब्रो जो होती है और पतली आईब्रो कलर होती है उसे किस तरीके से घनी और काली कर सकते हो, मोटी कर सकते हो। तो गाइस, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे कि उनको भी हेल्पफुल वीडियो स्टार्ट मिले। तो गाइस, इससे पहले हम जानते हैं कि आईब्रो को किस तरीके से गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि चेहरे को अक्सर पर्सनैलिटी का आईना कहा जाता है, जबकि चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करती है आपकी आंखें और उनके ऊपर बनी आईब्रो। आप समय के साथ आईब्रो की शेप और स्टाइल में भी बदलाव आने लगा है। आज के फैशन ट्रेंड की बात करें तो मोटी और चौड़ी आईब्रो लड़कियों के बीच काफ़ी पसंद की जा रही है। अगर आप भी अपनी पतली हल्की आईब्रो को मोटा और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय आपको अपनाने होंगे, इसलिए आज हम आपको घर में मौजूद चीज़ों से ही आईब्रो को बढ़ाने का तरीका बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले एक प्याज लेना है और उसको कट कर लेना है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि प्याज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, तो जैसे कि प्याज में आमतौर पर बड़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। प्याज का रस लगाकर आप अपनी आईब्रो के बालों को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से इसका रस लगाने से आप जल्दी मोटी आईब्रो को हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये प्याज कट कर लिया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एंड इसको आपको घिसना है एक बाउल के अंदर। तो इसको आप थोड़ा सा घिस लीजिए, क्योंकि आईब्रो पतली होती है तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा आईब्रो पे, तो आपको थोड़ा सा ही घिसना है। सिर्फ अपनी आईब्रो के लिए ही फ्रेश आपको उसी टाइम करना है, और फिर नेक्स्ट डे अगर करना है तो नेक्स्ट डे फिर से करना होगा आपको ये प्रोसेस, क्योंकि आपको 1 वीक तक ही अप्लाई करते रहना है। और फिर इसमें आपको 2 चुटकी के करीब आपको हल्दी डाल देनी है, और नेक्स्ट आपको लेना है नारियल का तेल। अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं होगा तो गाइज आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं। तो आपको ये लेना है, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देना है, और फिर आपको एक रुई की सहायता से आपको इसको अच्छे से मिला के पेस्ट की तरह तैयार करके आपको अपनी आईब्रो पर 15 से 20 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करनी है, और फिर इसको थोड़ी देर सूखने के बाद आप ठंडे पानी से धो दीजिए। एंड गाइज, ये आपको 7 डेज तक अप्लाई करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना गाइज। अगर आपकी कोई क्वारीज हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। गुड बाय।